प्रॉब्लम्स ऑन वर्नियर कैलिपर्स आज हम देखेंगे, दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वर्नियर कैलिपर्स पे। पहली प्रॉब्लम है कि देयर आर टू वर्नियर कैलिपर्स बोथ ऑफ व्हिच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिवीजन ऑन द मेन स्केल। तो अंडरलाइन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट जो डेटा दे रखा है। और C1 हैज 10 इक्वल डिवीजन दैट करस्पॉन्ड टू 9 मेन स्केल डिवीजन। In the vernier scale of other caliper C2 has 10 equal division that correspond to 11 main scale division. In the reading of the shown in figure, the measured value in centimeter by calipers C1 and C2 respectively are. तो पहले C1 ये है, C1 का ये, C2 का ये। तो जो दे रखा है कि 1 centimeter is divided into 10 equal division on the main scale. तो इसका मतलब हो गया कि जो 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन है, तो अगर 1 MSD निकालें तो कितना हो जाएगा, 1 मेन स्केल डिवीजन के लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 by 10 centimeter। अब हमें C1 की रीडिंग निकालनी है और C2 की रीडिंग निकालनी है। तो C1 वाले केस में दे रखा है कि 9 MSD इज इक्वल टू 10 BSD, जो कि ये हमारे स्टैंडर्ड जो हमारी वर्नियर कैलिपर्स होता है वो होता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन C2 वाले केस में आप ध्यान से देखें तो दे रखा है कि 10 BSD इज इक्वल टू 11 MSD। अब हमें निकालनी है C1 और C2 की रीडिंग, ये डेटा दे रखा है। अब सबसे पहली चीज क्या होती है, सबसे पहली चीज होती है कि सबसे पहले आप देखें कि कोइंसाइड कहाँ कर रहा है। तो इसमें मैंने ब्लू से मार्क किया है, रेड से करता हूं तो दिखेगा, थोड़ा रेड से मार्क किया है, ये यहां पर 7 पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है और C2 में भी 7 पॉइंट पे वर्नियर स्केल का 7 पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी अगर फिगर दे रखा हो, फिगर अगर दे रखा है, रीडिंग का स्क्रीनशॉट दे रखा है, तो हमेशा लेंथ वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, जीरोस के बीच की डिस्टेंस वाला यूज करो, वो फॉर्मूला यूज नहीं करो। वो फॉर्मूला उसी केस में करो जब आपको डेटा दे रखा है, जब डेटा नहीं दे रखा है तो फॉर्मूला नहीं यूज करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस केस में मान लो कि जीरो कहीं ना कहीं तो जीरो होगा ही, क्योंकि यहाँ 2 तक दिखाया गया बस, तो यहाँ पे जीरो है, तो हम जीरोस के बीच की डिस्टेंस देखते हैं। तो अगर हम ये वाली डिस्टेंस निकाल लें यहाँ से यहाँ तक की, इसमें भी और C2 में भी यही डिस्टेंस निकाल लें, 0 to 0 के बीच की डिस्टेंस, इसमें भी कहीं जीरो यही होगा, ठीक है। तो अगर ये हम निकाल लें तो हमारा आंसर्स आ जाएंगे। तो ये हम कैसे निकालेंगे कि जीरो मेन स्केल डिवीजन में जहां को इंसर्ट कर रहा है वो अगर आप L2 मान लें और जहां वर्नियर स्केल से जीरो के और जहां को इंसर्ट कर रहा है अगर वो L1 मान लें अगर उसे, तो अगर L2 - L1 करते तो हमारी रिक्वायर्ड लेंथ आ जाएगी। तो देखते हैं C1 के केस में जो हमारा है C1 हम लोगों को दिखाई, C1 ये लिखा है, C1 इज इक्वल टू 35 MSD माइनस 7 BSD। देखो यहाँ से L2 कितनी है, ये 3 तक, क्योंकि हर एक 10 डिवीजन होता है, हर एक 1 सेंटीमीटर 10 डिवीजन होते हैं, तो यहाँ तक 3 सेंटीमीटर 30 डिवीजन, 30, 31, 32, 33, 34, 35 MSD। अब यहाँ से 0 से कहाँ 7 पे कोइंसाइड कर रहा है, तो माइनस के 7 BSD। तो जब और हमें दे रखा है कि 10 BSD इज इक्वल टू 9 MSD, तो BSD की जब वैल्यू रखेंगे तो सॉल्व करने पे 2.87 सेंटीमीटर आएगा। BSD की वैल्यू रखेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट होकर MSD के टर्म्स में आएगा, और हमें 1 MSD दे रखा है 1 by 10 सेंटीमीटर, तो ये 2.87 सेंटीमीटर हो गया। अब सेकेंड वाले केस में, C2 वाले केस में यहाँ तक जाइए, ये C2 वाले केस में ये हमारी यहाँ से यहाँ तक L2 हो जाएगी। L2 कितना हुआ, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
L2 हमारा हो गया 36 और हम यहाँ से यहाँ तक L1 हो गया हमारा, तो L2 माइनस L1 हमारी रिक्वायर्ड लेंथ हो जाएगी। तो L1 क्या है 5 टू 7 तो माइनस 7 BSD 10 BSD और इक्वल टू हमें इसमें 11 MSD दे रखा है। और जब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे इन इक्वेशंस में जब सॉल्व करेंगे तो 2.83 सेंटीमीटर, तो हमारे ये आंसर्स हैं कि C1 में 2.87 होगी और C2 में 2.83 होगी वैल्यू। अब नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स विद नो जीरो एरर, कोई जीरो एरर नहीं है, अच्छी बात है। इट इज फाउंड दैट जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 एंड 5.15 सेंटीमीटर, ओके। तो एंड द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन इक्वेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर, और जो 24 डिवीजन है वो कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल का 24 डिवीजन मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। तो इसका पूछा है कि डायमीटर ऑफ द सिलेंडर क्या होगी। तो एक चीज आपको मैं बता दूं पहले इसे सॉल्व करने से पहले, कि मान लो ये हमारा कोई ऐसा स्केल है, ये ग्रेजुएटेड है इस तरह, और एक पॉइंट है जिसके बीच में कोई पॉइंट मार्क कर रहा है, तो और हमें इस ये वाली डिस्टेंस रेड मार्क ले लेता हूँ मैं, ये जो रेड मार्क ग्रेजुएटेड और ये वाला रेड टू रेड के बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है, तो पहली क्या है 5.10, दूसरी क्या है 5.15। तो अगर हम वन ये जो MSD का हमें MSD का दे रखा है, इसमें बोला कि इट इज फाउंड दैट वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 एंड 5.15 ऑफ द मेन स्केल। तो ये जो मेन स्केल्स के बीच में ये वर्नियर स्केल का जीरो लाई कर रहा है यहाँ पे कहीं, तो ये जीरो लाई कर रहा है, तो हम ये हमारा एक डिवीजन होगा मेन स्केल का। तो अगर हम यहाँ से 1 MSD निकालें, अगर हम यहाँ से 1 MSD निकालें, 1 MSD निकालें, तो क्या हो जाएगा 5.10 और 5.15 का डिफरेंस 5.15 माइनस के 5.10। तो इससे पहले हम वो फॉर्मूला लिख लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिगर दे रखा है तो वो लेंथ वाला कॉन्सेप्ट करें, जीरोज के बीच की डिस्टेंस आप निकाल लें डायरेक्ट, कोई टेंशन नहीं, फॉर्मूला का कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर नहीं दे रखी है वो डायग्राम, तो डायग्राम बनाने में टाइम खराब ना करें, वो फॉर्मूला आपको याद ही है, आप वो तुरंत लगा दें। जैसे कि डायमीटर अगर निकालनी है तो मेन स्केल रीडिंग बिफोर जीरो ऑफ BS प्लस के वर्नियर कोइंसिडेंस इनटू LC लीस्ट काउंट। तो इसमें जीरो कहाँ कोइंसाइड कर रहा है 5.10 और 5.15 के बीच में, तो जो मेन स्केल जीरो है वो क्या हो गई हमारी 5.10, बिल्कुल ऑब्वियस है MSR कितनी हो गई 5.10। अब वर्नियर कोइंसिडेंस क्या दे रखा है, वर्नियर कोइंसिडेंस 24 डिवीजन, तो 24 हमने लिख लिया अभी। अब लीस्ट काउंट कैसे निकालते थे, 1 MSD माइनस 1 BSD। अब 1 MSD हमें कैसे निकालना है, तो मैंने बताया कि 1 MSD यानी कि 1 मेन स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा, दोनों कंजुकेटिव ग्रेजुएटेड जो मार्क है उनका अगर डिफरेंस निकाल ले तो हमारा 1 MSD हो जाएगा। तो 1 MSD इज इक्वल टू 5.15 माइनस के 5.10, वो हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। और हम BSD निकालें तो इसमें बोल रखा है कि 50 डिवीजन इज इक्वेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर, तो 2.45 में अगर 50 कर दें तो हमारा एक 1 स्केल डिवीजन आ जाएगा, और इससे लीस्ट काउंट डायरेक्टली हम निकाल लेंगे 0.05 माइनस के 0.0049। और जब हम डायमीटर निकालेंगे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.124 सेंटीमीटर। तो ये हमारे दो न्यूमेरिकल थे, बहुत ही अच्छे थे और कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, इसलिए मैंने दोनों को पूरा कॉन्सेप्ट आ जाए इसलिए करा दिया। और आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां हम स्क्रू गॉज के बारे में जानेंगे।